हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है, चलिए देखते हैं क्या है। आम की खटमिठी यानी कि आम की मीठी तीखी अचार। मीठा, तीखा, नमकीन सारे स्वाद एक साथ मिल जाते हैं, तो फिर ये अचार बनाना तो बनता है। तो चलिए बनाते हैं। आम के अचार को बनाने के लिए हमें लेना है 1 किलो कच्चा आम या कैरी, और इसे हम अच्छे से धोकर साफ़ कर लेंगे। वो हमें अच्छे से धोकर इसके छिलके उतार लेने हैं। छिलके उतारने के बाद हमें गुठलियों को छोड़कर ऊपर से हमें इसके पतले पतले टुकड़े कट करने हैं। पतले पतले टुकड़े हम कट करेंगे ताकि ये अच्छे से और जल्दी कम समय में पक जाए। तो हमें इसके सारे टुकड़े कट कर लेने हैं। ये हैं पतले पतले टुकड़ों में। अब हम शुरू करते हैं बनाना। हमें 1/2 किलो गुड़ चाहिए। लाल गुड़ मिल जाए तो और भी अच्छा है। 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डालकर कढ़ाई को गर्म करेंगे मीडियम फ्लेम पर। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सरसों के दाने। इसे हमें ब्राउन होने तक पका लेना है। जीरा और सरसों अच्छे से ब्राउन हो जाए इसके बाद हम इसमें कटे हुए आम डालेंगे। कटे हुए आम डालकर हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। इसे हमें कम से कम 2 मिनट तक ऐसे ही पकाना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक स्वादानुसार। लगभग आप 2 चम्मच इसमें नमक डाल दीजिए, 2 छोटे चम्मच। और नमक डालने के बाद हम इसे 5 मिनट तक इसे ढककर पकाएंगे। इस तरह से आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे ढक्कन ढककर ही पकाइए। लगभग 5 मिनट पकाने के बाद आम आधे से ज़्यादा पक गया है, ये देखिए। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और अब हम इसमें डालेंगे सिर्फ 1 कप पानी। इस कप से आप माप कर 1 कप पानी डाल लीजिए। बहुत ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है क्योंकि इसके बाद जब हम गुड़ डालेंगे तो गुड़ पिघल जाएगा, तो इससे ग्रेवी ज़्यादा बन जाएगी। तो इसके लिए हमें पानी सिर्फ 1 कप ही डालना है। और इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे गुड़। अगर आपके पास लाल गुड़ नहीं है तो आप कोई भी गुड़ यूज़ कर सकते हैं। आप इसे चीनी के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगी लाल गुड़ के साथ इसका स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो आप अगर आपको मिलता है तो आप लाल गुड़ ही यूज़ करिए। इस तरह गुड़ को तोड़ते हुए आप डाल दीजिए, बहुत जल्दी पिघल जाएगा गुड़। और इसे इसी तरह से हमें अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसे ढक्कन ढककर ही पकाएंगे, जिससे कि बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। इस समय आप गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए, जिससे कि गुड़ को पिघलने के लिए अच्छा समय मिलेगा। और ढक्कन ढककर छोड़ दीजिए, ये बहुत जल्दी
पक जाएगा। लगभग 2 मिनट पकाने के बाद कलर बहुत सुंदर आ गया है अचार का। लाल गुड़ की वजह से इसका कलर बहुत ही सुंदर दिख रहा है। जितना सुंदर ये दिख रहा है उतना ही ये स्वादिष्ट खाने में भी लगता है। आप इसे रोटी और पराठे के साथ खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। मीठा, तीखा, नमकीन, खट्टा सारे टेस्ट इसमें एक साथ मिल जाते हैं, इसके लिए ये अचार बहुत ही स्वादिष्ट हो जाता है। अगर आप चाहें तो इसे इस तरह रख सकते हैं, ठंडा होने के बाद ये ऐसे ही गाढ़ा हो जाता है। और अगर आपको ग्रेवी और सुखानी है तो आप इसे 1 से 2 मिनट तक और पका लीजिए, जिससे कि इसकी ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। आम का खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन अचार बनकर तैयार है सर्व करने के लिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। सो फ्रेंड्स, इसी तरह मैं इजी और टेस्टी रेसिपी लेकर आती रहती हूँ। आप मेरे चैनल पर विजिट करके और भी मेरी रेसिपी देख सकते हैं, बहुत सारे रेसिपी मैंने डाले हुए हैं। अब मैं इस आम के खट्टी मीठी अचार को मैं सर्व कर लेती हूँ। ये देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट खट्टी मीठी तीखी अचार तैयार है। आप इसे एंजॉय करिए और ज़रूर बनाकर ट्राई करिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये अचार की रेसिपी कैसी लगी। सो फ्रेंड्स, मिलती हूँ ऐसे ही इजी और टेस्टी रेसिपी के साथ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।